हेलो हाँ जी सर, मैं इरविन से बात कर रहा था। जी सर, आपने इतनी बात हुई थी ना एफडी के लिए, हाँ, एफडी के लिए बात हुई थी ना आपने तो सर आपने एफडी वगैरह डिस्कस कराई फिर? जी। मेरी एफडी कराने की प्लानिंग तो चल ही रही है, अभी मुझे करवाना ही है, मतलब एक आध दो दिन तो सर आज ही कर देते हैं बोले तो। में। मैं तो अभी कर देता हूँ, पर एक बात आपसे करनी थी, अगर आप 2 मिनट समय निकालें तो। बिल्कुल 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 सर, बोलिए ना। कल सुबह मैं मोबाइल चला रहा था, यूट्यूब चला रहा था, जी मतलब जी जी यूट्यूब के बीच में विज्ञापन आया, आपकी बैंक आजकल विज्ञापन दे रही है शायद, बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं दो अभिनेता, मतलब है एक अभिनेता है एक अभिनेत्री है, उनके द्वारा विज्ञापन दिया जा रहा है, एक उनका नाम बता सकते हैं आप? का तो कियारा आडवाणी है हम्म, और एक का ये है अपना, क्या नाम है इसका, आमिर खान। आमिर खान, बराबर, यही मेरा बिंदु है। क्योंकि देखिए, बैंक आपका है, विषय आपका है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप किसको विज्ञापन दे रहे हैं, आपसे कौन जी कमा जी रहा है बिल्कुल या किससे आप कमा रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि पैसा आप हमारा लगा रहे हैं, बैंक आप हमारे पैसे से चलाते हैं, लगभग ज्यादातर मेरा अनुमान है कि आपके पास जितना जितने ग्राहक है उसमें 90% हिंदुस्तानी होंगे और हिंदू ही बिल्कुल होंगे, बिल्कुल इतना मेरा निजन होगा। अब चूंकि आप एक ऐसे व्यक्ति से विज्ञापन करा रहे हैं जिसके परिवार को, जिस व्यक्ति को, उसकी बीवी को हमारा देश असहिष्णु लगता है, जिसको हमारे देश में खतरा लगता है, जिसको हमारी सनातन संस्कृति से, हमारे देश की पौराणिक मान्यताओं से जो चली आ रही है हजारों हजार साल से, उन लोगों को हमारे देश से, हमारी संस्कृति से, हमारी सोच से, हमारी हर चीज से, चूंकि हमारा देश आज ज्यादातर स्तर पर विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, उन लोगों को हमारे देश से तकलीफ है, जो सहिष्णु देश हजारों हजार साल से लोगों की आक्रमण सहने के बाद भी आज तक उसने किसी पर पलट के वार नहीं किया, उस सहिष्णु देश को वो लोग असहिष्णु बता रहे हैं, उन लोगों से आप विज्ञापन करवा रहे हैं। सर, मेरी बात तो सुनिए आप। मैं तो क्या है कि अभी अभी ज्यादा टाइम नहीं, वो एक माइनिंग होके हो रही है, ऊपर से पूरी टीम बैठती है और वो डिसाइड करती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका मेरे को इतना तो नहीं पता है कि नहीं, कैसे क्या पर है। चूंकि आप मतलब बैंक, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ अभी, मैं व्यक्तिगत आपको बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बैंक से बात कर बिल्कुल रहा हूँ, और मेरा निजी अनुभव कहता है कि आपको भी उस विषय में जानकारी है, क्योंकि आप, मैंने खुद आपके मुंह से बिल्कुल पूछा है बिल्कुल कि उस व्यक्ति का नाम बिल्कुल क्या है, है, बिल्कुल है सर। उस व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा जो हमारे देश पर, हमारी सहिष्णुता पर आक्रमण किया गया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी बिल्कुल है बताओ। जी। तो आप चाहते हैं कि मैं एफडी कराऊं, तो मैं आज भी तैयार हूं एफडी कराने को, क्या जी मैं आज ही एफडी करा दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं, एयू बैंक का मुझे आपने फाइनेंस दिया है, मैं आपके आपसे मैंने कार ली है, सब कुछ मेरा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तभी इतना अपना व्यवहार अच्छा है, मैं आज भी करवाने को बिल्कुल तैयार हूँ, पर मेरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो है वो यही है कि वो व्यक्ति आपके बैंक का जब तक विज्ञापन करेगा, मैं आपकी बैंक से कोई भी लेन देन नहीं करूंगा किसी प्रकार का, जो मेरा बचत खाता है वो मैंने कल विज्ञापन देखने के बाद वो भी मेरा मूड हट गया, क्योंकि मैं आज ही लगभग उज्जैन में हूँ और उज्जैन से रतलाम पेमेंट लेके आ ही रहा हूँ, मतलब मैं अभी नहा धो के तैयार हुआ हूँ, रतलाम आने ही वाला हूँ पेमेंट लेके, लगभग 2 लाख का मेरा मूड था, क्योंकि अभी जी, सबसे आपकी ज्यादा बात पैसा आप सुनिए। ही की बैंक दे रही है, मैंने पिछली बार भी आपसे जानकारी ली थी, बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान सर, होगा, तो सबसे बिल्कुल ज्यादा बैंक बिल्कुल। पैसा आप ही की बैंक दे रही है, पर मैं एक दो हजार रुपए के लिए आपके पास आऊंगा, सिर्फ 1-2 हजार रुपए ज्यादा मिलेंगे, वो भी आपके पास आऊंगा, और मैं देखूंगा कि आपका प्रचार कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है, हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है, तो मैं आपके पास 2 हजार रुपए के लिए थोड़ी ना आऊंगा यार, मेरे लिए मेरा देश प्रथम है, आप मुझे दूसरी बैंक से 1 हजार कम भी देंगे तो मुझे स्वीकार है, पर नहीं, चूंकि ऐसा बिल्कुल व्यक्ति आपका प्रचार कर रहा जो आप है। बोल रहे हैं सर, ये बिल्कुल मेरे बात का, आपकी बात मान रहा हूँ, पर जैसे मेरे को तो इतना पता नहीं है कि क्या है हाँ, कैसा क्या आपकी है, जो तो ऊपर नीतियां से है, रखते हैं पॉलिसी वो है, तो वो ऊपरी बड़े लोग तय लोग। करते हैं, मैं मानता हूँ, आप मेरी ये बिल्कुल बात उनके पास पहुंचाइए, आप चाहे तो मेरा ये नंबर पहुंचाइए, राजकुमार मेरा नाम है, राजू पांचाल आपके पास रिपोर्ट है, आप मेरा ये नाम पहुंचाइए कि मैं रतलाम से बात कर रहा हूँ, वो मुझसे बात करे, मैं आज ही एफडी करवाने को तैयार हूँ, 2 लाख की पूरी एफडी करूंगा, पर मेरी बात यही है कि वो व्यक्ति जब तक, जो हमारे देश का लगभग अघोषित दुश्मन है, वो व्यक्ति जब तक आपका प्रचार करेगा, मैं किसी भी प्रकार की आपकी बैंक के साथ एक पैसे की भी लेन देन नहीं करूंगा, आप मेरा रिकॉर्ड देखिए, अरे मेरे खाते में पैसे नहीं, भी मेरे नहीं को होंगे। पता ही है। अरे मेरे को पता ही है सर, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल किया। नहीं, मैं जो भी होता है आप जो कह रहे हैं, मैं इस बात को आगे जरूर बोलूंगा, मेरे यहाँ पर कुछ सीनियर लोग हैं, उनसे तो मैं बात हाँ, करूंगा इस आपके बारे में। यहाँ के बिल्कुल लोग, ऊपरी स्तर के लोग, सबसे ऊपर के लोग जो सबसे टॉप पे बैठे हैं, उन तक भी मेरी बात बिल्कुल पहुंचाइए, मेरा ये नंबर पहुंचाइए,
राजकुमार राजू नाम बताइएगा मेरा, मैं रतलाम से बात कर रहा हूँ। जी 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 सर बिल्कुल, मैं क्या? होता है तो बिल्कुल आपके बारे में बताऊंगा और जो भी हाँ होगा मैं आपको करूंगा। ठीक है, मैं एमपी कराने को तैयार हूँ और मैं इसीलिए खाते में पैसे भी नहीं रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी अभी राखी बाद सोमवार मंगलवार तक मैं आपके बैंक से खाता भी बंद कराने वाला था, वो आज आपका फोन आ गया संजोग बस, तो मैं आपको इतना सारा बता रहा हूँ, वरना मैं बैंक में लिखित देता कि मैं क्यों खाता बंद करवा रहा हूँ। ठीक है, सर तो अगर ठीक आप है, एक चाहते बार आप हैं फिर कि भी आप सर मैं मेरा और मान सुनिए 2 मिनट, अगर आप चाहते हैं कि जी मैं और मुझ जैसे करोड़ों हिंदुस्तानी जो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस अघोषित दुश्मन को हटाना होगा जो हमारे देश का खाके हमारे देश की जड़ें खोद रहा है। ठीक है, हमारी देश की सहिष्णुता को बदनाम कर रहा है, हमारे सनातन संस्कृति को बदनाम कर रहा है, उन लोगों को आपको हटाना होगा। ठीक है, बिल्कुल मैं सर आपने आज देखिए आज दूसरी ही मैं बिंदु दूसरा आज बिंदु ये है कि आज आपने 2 अभिनय लिए हैं उसमें, जिसमें ये महिला जो है वो हिंदू ली है और जो पुरुष जो है मुस्लिम लिया है। ठीक है, ये भी मेरी दूसरी आपत्ति है। आप हमारे देश के जो आज हमारा नाम नहीं रोशन सर, कर रहे मेरी हैं बात तो दुनिया सुनिए, में। मेरी मेरी बात तो सुनिए सर जी जी, जो भी है मैं बिल्कुल आपकी बात सब समझ गया हूँ। एक जी बार यहाँ तो आप बैंक जैसे बैंक आना चाह रहे हैं कल परसों 2-3 दिन में जब भी, तो जी आप बैंक आइए, बहुत अच्छी बात है कि आप आएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, आप मतलब अच्छे से बोल भी पाएंगे कि क्या है क्या हाँ, प्रॉब्लम है, मैं तो मुझे तो किसी के ज्यादा सामने सही है। कुछ भी और बोलने में फिर भी कोई नहीं, आपका कहना सही है, मैं वही बोल रहा हूँ, फिर भी आपको ऐसा कुछ लगेगा तो आप भी सर बिल्कुल सर से आके बात कीजिएगा, ऐसी ऐसा प्रॉब्लम है और मेरा तो फर्ज है सर, मेरे को तो पूछना है कि क्या है क्या नहीं है। तो जी आप अपना दायित्व निभाइए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, पर मेरी जो बिल्कुल मुख्य आपत्ति है, बिल्कुल मेन मैं समझ प्रॉब्लम गया मैंने आपका आपको कहने बता का दिया है। मतलब, बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी आपको कुछ लगे तो आप बिल्कुल बैंक आइएगा, अपन मिलते हैं फिर मंडे को। ओके जी, बिल्कुल मुलाकात हो गया। थैंक यू सर। जय श्री राम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।